हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे, जो हमारे स्टूडेंट है हमारे साथ में है। आइए उनसे मिलवा देते हैं, क्या नाम है, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। तो आइए मिलते हैं। जो गाड़ी है वो ऑल्टो है, पावर स्टीयरिंग वाली है। तो आइए स्टूडेंट से मिलवा देते हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे? 14 डे। और आपको किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है चलाने में? अभी तो क्लच का और गियर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, और आप कितनी दूर से आते हैं मेरे पास ड्राइविंग सीखने के लिए? कहाँ से आते हैं? जगतपुरा से आते हैं आप, है ना? और 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना, ठीक है। तो चलिए चला के दिखाइए कैसे चला रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो रुको एक मिनट, अपन वापस से सारी चीजें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अपने नीचे तीन पेडल्स होते हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, ए बी एंड देन सी। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ब्रेक पे लाओ पाओ, अभी एक्सीलेटर पे ले जाओ, ठीक है, और ये क्लच पे, ठीक है। अपना जो लेफ्ट वाला पाँव होता है वो क्लच पे रहेगा परमानेंटली, और जो राइट वाला है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ठीक है। ओके, क्लच को दबाना है तो पूरा दबाना है, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है, आधे का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट गियर में क्लच को हमें स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम जल्दी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर में इसलिए स्लोली रिलीज करना होता है क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को। काइनेटिक एनर्जी में नहीं होती, रनिंग मोशन में, इसलिए जब वो थोड़ा चल जाए फिर हम पूरा छोड़ सकते हैं, दो चार फीट की दूरी तय कर ले फिर हम क्लच को पूरा छोड़ सकते हैं, ठीक है। बात आती है स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करने की, तो स्टीयरिंग व्हील जैसे इन्होंने पकड़ रखा है, क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं, ये पोजीशन सबसे बेस्ट है होल्ड करने की। इंडिकेटर ऑन करके दिखाओ कैसे होता है, राइट का नीचे, लेफ्ट के लिए ऊपर, सेंटर में ऑफ हो गया। चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो अपन मैन्युअली भी इसको ऑफ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ये गियर लीवर होता है, तो आगे के 5 गियर से एक पीछे का रिवर्स गियर है। क्लच दबाओ, लगाओ फर्स्ट, सेकेंड लगाओ, थर्ड लगाओ, फोर्थ लगाओ, गुड, रिवर्स लगा के दिखाओ, गुड, न्यूट्रल कर लो, ठीक है ना। अब ये हैंड ब्रेक कौन सा होता है, पार्किंग ब्रेक को लगाते कैसे और हटाते कैसे? हटाते तो ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे, ठीक है, डाउन। अब लगाते विदाउट बटन है, नोज की आवाज आनी चाहिए, ओके। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले साइड व्यू मिरर्स वगैरह एडजस्ट होने चाहिए, हमारे मिरर्स वगैरह सेट होने चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ भाई पीछे कौन आ रहा है, क्या स्पेस है, कितना डिस्टेंस है। तो ठीक है, गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, गाड़ी के नीचे या आगे कोई जानवर वगैरह, बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है, डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए गाड़ी चलाने से पहले। टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, फ्रंट विंडशील्ड आपकी क्लीन है नहीं है, इंडिकेटर वगैरह प्रॉपर, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने रख लिया, डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। फिर इसके बाद में गाड़ी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीसेंस, पूरा अनुमान कि हम कितनी देर में चलेंगे, अगला कितनी देर में पहुंचेगा, मेरी स्पीड क्या है, अगले की स्पीड क्या है, एक जजमेंट के आधार पे गाड़ी चलती है, वो चाहे मैं चलाऊं चाहे आप चलाओ, कोई भी चलाओ, एक अनुमान होना बहुत ज़रूरी है जो कि चलाने से आने लग जाता है। दूसरी चीज़, लोगों को गाड़ी चलानी आती लेकिन ट्रैफिक सेंस नहीं होता है कि वो टकरा जाते हैं, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, लेफ्ट नज़दीक से लेते हैं, राइट लेते हैं लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के, ट्रैफिक सेंस क्या होता है, और हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे हमें पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है, हॉर्न देना है, ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, ना रिस्क लेनी है अपन को, और गाड़ी में कुछ आए नहीं आए एटलीस्ट हमें ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए, ओके, ठीक है। सीट बेल्ट आपने लगा ही लिया, सीट एडजस्ट हो ही गई, अभी न्यूट्रल चेक करके फिर इंजन स्टार्ट करेंगे। छोड़ दो, चलो साइड व्यू मिरर में देख के देखो, न्यूट्रल करो, बंद होगी गाड़ी क्योंकि क्लच को जल्दी छोड़ दिया आपने, है ना, ठीक है। रुको, न्यूट्रल करो, क्लच छोड़ दो, इंजन ऑफ कर लो एक बार और, अब दोबारा स्टार्ट करो, यस, छोड़ दो, अब लगाओ क्लच दबा के। चलिए धीरे धीरे छोड़ना है एक्सीलेटर लेके, जहाँ पे ये मोमेंट में आ गई, जैसे ये गाड़ी चलने लग गई, अब चलने लग गई तो हमने क्लच को वहीं रोक लिया, अब दो चार फीट की दूरी तय कर ली तो पूरा छोड़ सकते हैं। सेकंड लगाओ,
चलिए राइट वाली फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। 40 से बिलो चल रहे हैं तो लेफ्ट में ड्राइव करेंगे और 40 से अबव जा रहे हैं तो अपन राइट में ड्राइव कर सकते हैं। क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, स्पीड ब्रेकर है, साइन बोर्ड्स वगैरह देखने, जैसे कि आप देख सकते हो यू टर्न का बोर्ड लग रहा है। आने वाले जितने भी खतरे हैं उनको ये इंडिकेट करते हैं, स्पीड ब्रेकर हुआ, एक्स वाई जेड जो कुछ भी है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ऑन प्रोहिबिटेड है, मार्जिन ट्रैफिक है, स्पीड लिमिट है, इन सबको इंडिकेट करता है। राइट इंडिकेटर ऑन कर लो, गुड, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, सेकंड लगाओ, गुड, बिल्कुल। पीछे देख के मिरर में पाम ब्रेक पे देखो, सामने भी देखो, फर्स्ट गियर लगाओ, चलो धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल। इधर लेफ्ट में भी देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे अपन, आराम से स्लोली स्लोली, परफेक्ट है। लगाओ सेकंड, नीचे नहीं देखना है गियर लगाएं जब, आईज ऑलवेज ऑन द रोड, नजर हटी दुर्घटना घटी। थर्ड लगाओ, थर्ड लगाओ, चलो गुड। ये डिपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारी स्पीड पे, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो वैसे वैसे गियर भी चेंज होते रहेंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो गियर भी स्लो चेंज होंगे, डाउन होंगे, कहने का मतलब। क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, और ब्रेक लगाने से पहले हमें क्लच दबाना, अगर 40 से नीचे गाड़ी है और अगर 40 से अबव है तो हम बिगर क्लच के थोड़ा बहुत ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ओवरटेकिंग पे हमेशा हॉर्न देके पाम ब्रेक पे ले लो, ट्रक खड़ा है, क्लच दबा लो, सामने से आने वाले को डीपर दो हटने के लिए, डीपर देना है ना, डीपर। अब चलो क्लच हटा के देखो, पहले क्लच छोड़ना है फिर एक्सीलेटर। तो गाड़ी में हमेशा हमें अलर्ट रहना है, गाड़ी में जो भी होता है इंस्टेंटली डिसीजन चेंज होता है, इंस्टेंटली प्लान चेंज होगा। अगर सामने कोई आ गया, पहले कुछ और प्लान बना रखे लेकिन इमीडिएटली आपका प्लान चेंज हो जाएगा, तो हमेशा आपको अलर्ट रहना है, क्रिएटिव रहना है गाड़ी चलाने के लिए। सबको अंधा मान के चलना है, ऐसे एक्सेप्टेशंस नहीं रखने कि वो देख रहा है वो रोक लेगा, अगले से कोई उम्मीद नहीं रखनी है हमें, हमें तो ये मान के चलना है कि अगला देख ही नहीं सकता है, अपने लेवल पे लेके चलना है। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट हमें ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी टकराएगी, टर्न नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट हम रोक तो ले रहे हैं उसको। अभी राइट इंडिकेटर ऑन करो, यू टर्न लेंगे, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, गाड़ियां हैं, स्लो करो और स्लो करो, बिल्कुल पाम ब्रेक पेडल पे। जब भी हम क्लच का यूज ले रहे हैं तो एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है, और एक्सीलेटर यूज ले रहे हैं तो क्लच का कोई रोल नहीं है। और स्लो करो, और स्लो करो, और स्लो करो थोड़ी, अब गियर चेंज करो, सेकंड यू टर्न लेंगे, डेड एंड से लेंगे आखिरी से। चलो हॉर्न भी दे देना, मोड़ो, परफेक्ट है, सीधी करो हल्की हल्की, और करो और करो, हाँ गुड। चलो देख लेंगे, गाड़ी दूर है, जा सकते हैं इजी गोइंग। लगाओ, चेंज करो गियर, गुड, देखो देखो गियर नहीं लगा है, थर्ड लगाओ, हाँ चलो अब तो फोर्थ में। तो हमें गियर लगाने के बाद में उसे रिकन्फर्म भी कर लेना, चेक भी करना है कि गियर वाकई में लगा है नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी है और उसको फील करना है, इम्पैक्ट को, झटका। अगर आप गियर लगाएंगे तो झटका सा आएगा हाथ में, तो उस जर्क को आपको फील करना है। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, ऊपर क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे, इधर गली में लेंगे, मिरर में देख के फिर लेंगे, करो टर्न करो, बिल्कुल
चलो सीधे करो, आगे स्टॉप करेंगे अपन, है ना। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, इधर इस गाड़ी के पीछे रोक लेना, सीधी करो स्टीयरिंग व्हील, हाँ लगाओ ब्रेक्स, न्यूट्रल कर लो, हैंड ब्रेक लगाओ विदाउट बटन, दोनों पेडल्स फ्री करो पहले, रुको अभी बंद मत करो, अब इंजन ऑफ करोगे, अब सीट बेल्ट खुलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।